नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल योर स्टोरी टेल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी भारत सरकार का एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है, जिसका गठन 1 मार्च 2002 को एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के तहत हुआ था। इसका लक्ष्य था पूरे देश में एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ावा देना। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का जो नींव रखा गया था वह इस सोच के साथ रखा गया था कि पूरे देश में जितने भी सेक्टर हैं, जितने भी क्षेत्र हैं जहां पे एनर्जी का यूज होता है, उसको संस्थागत रूप देना, उनको अवेयर करना कि एनर्जी सेविंग कितनी जरूरी है। इस सोच के साथ इसका नींव रखा गया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का प्रोग्राम कौन कौन से हैं और वह किस तरह से काम करता है। इस वीडियो में मैं मेनली आपको बताऊंगा प्रोग्राम के बारे में, फिर इसका जो नेक्स्ट सीरीज आएगा उसमें एक एक जो भी प्रोग्राम है उसको मैं एलोबरेट करते जाऊंगा, तो आपको आसानी होगी। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का जो पहला प्रोग्राम है वह है ईसीबीसी कोड, यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। ये मेनली बिल्डिंग में वर्क करती है, जो भी अपना कमर्शियल बिल्डिंग है या रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, दो पार्ट में वर्क करती है, एक कमर्शियल बिल्डिंग में, दूसरा रेसिडेंशियल बिल्डिंग में के लिए। फिर आता है इसका एक स्टैंडर्ड एंड स्टार लेवलिंग प्रोग्राम। तीसरा जो इसका है वह है पेट स्कीम, यानी कि परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम। चौथा जो इसका है एसडीए। एसडीए जो है स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी है जो कि राज्य लेवल पे काम करता है, स्टेट लेवल की एक एजेंसी है जो ब्यूरो के बिहाफ पे वर्क करती है एनर्जी एफिशिएंसी के लिए। पांचवा प्रोग्राम है वह है एसएमई, यानी कि स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। ये जितने भी इंडस्ट्री है इस लेवल के लिए पॉलिसी तैयार करती है, कैसे उनको एनर्जी एफिशिएंसी कंपनी को बनाना है उस पर वर्क करती है। इसके बाद इसका जो छठा आता है वो आता है डीएसएम, यानी कि डिमांड साइड मैनेजमेंट। जो डीएसएम है, डिमांड साइड मैनेजमेंट, उसका चार पार्ट है। एक है एग्रीकल्चर डीएसएम, दूसरा है म्युनिसिपल डीएसएम, तीसरा है एसएमई डीएसएम, और जो चौथा है वह है आपका डिस्कॉम के लिए। इसके अलावा इसका एक और प्रोग्राम है, वह है इसको, यानी कि एनर्जी सर्विस कंपनी। इसके अंतर्गत जितने भी कंपनियां जो एनर्जी की फील्ड में वर्क करती है वह अपना एक परफॉर्म बना के इनको सबमिट करते हैं कि आपने ये ईयर में काम किया है, उसके काम के आधार पे ब्यूरो जो है उसको ग्रेडिंग देती है, सिंगल स्टार, डबल स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। ये ग्रेडिंग के साथ इनका जो रजिस्ट्रेशन इसको रजिस्टर कंपनी में हो जाता है। ब्यूरो के कुछ अवार्ड्स प्रोग्राम भी हैं जिसको हम नेका के नाम से जानते हैं, NECA, यानी कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। जो लोग भी इस फील्ड में वर्क करते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी फील्ड में जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनको जो है ब्यूरो अवार्ड भी देती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस हिसाब से हर सेक्टर वाइज उनको अवार्ड मिला जाता है। एनर्जी एफिशिएंसी के कुछ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स भी हैं, जैसे एक्रेडिटेड एनर्जी ऑडिटर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, इसके अलावा एनर्जी ऑडिटर एंड एनर्जी मैनेजर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, इसके अलावा आपका बी का रिफ्रेशर कोर्स का भी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ये करवाती है। इसके अलावा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का कुछ प्रमोशनल वर्क भी है, प्रमोशनल फंक्शन भी है। इसके अंतर्गत ब्यूरो क्या करती है, अपना जो भी वर्क है उसको प्रमोट करती है ताकि लोग जो है जागरूक हों और वो एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ावा दे। दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो को मैं ही समाप्त करता हूँ। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें।